फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। तो ये वीडियो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काउंसलिंग है फ्रेंड्स, जब किसी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इन दोनों में से किसी भी कॉलेज में ना, जब सीट खाली रहती है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी कॉलेज में सीट खाली रहती है तो तब काउंसलिंग किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, काउंसलिंग जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होंगे, एंड इसकी जो फीस है ना वो 1000 रुपीज़ है। एंड इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है SCERT दिल्ली एडमिशन की जो ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आपने अपना DELED के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एंड अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितना चांस होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से कि आपका जो है सीट मिल जाए। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जिस बच्चे का 70 से 75 या 80% मार्क्स है, उनके जो है, मैं आपको रियलिटी जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि गाइज, कम से कम मतलब कि 60 से 70% चांस होता है। गाइज मैं देखो, मैं आपको जो रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज गाइज यहाँ पर जो है आप SCERT दिल्ली DELED की जो प्रोस्पेक्टस है ना, पेज नंबर 6 पे, यहाँ पर आप आकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है SCERT दिल्ली, मतलब SCERT ने खुद ही यहाँ पर जो है मेंशन किया है प्रोस्पेक्टस में कि यहाँ पर जो है सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, एंड 1000 रुपीज़ जो है ना ये रिफंडेबल नहीं है। अगर आपको सीट मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो 1000 रुपीज़ आपके रिफंड नहीं होंगे। सो गाइज, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो SCERT जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है वही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड अगर आपके मार्क्स गाइज 80 से अबव है तो आपके जो है 70 से 80% चांस है, एंड अगर आपके जो है 90% मार्क्स है या इससे अबव है तो आपका जो है 90 से 95% चांस है। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस बच्चे के जो मार्क्स है ना 85 से अबव है, तो उनके काफ़ी चांस है काउंसलिंग में अगर वे पार्टिसिपेट करते हैं तो सीट मिलने की। बिकॉज गाइज, प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जिन बच्चों के मतलब कि 85 या 90% मार्क्स थे, एंड किसी वजह से जो है वे उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो जब उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो उसका जो है नाम आ गया था। तो काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है 10 सितंबर से जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाय कैंडिडेट आफ्टर डिपॉजिटिंग 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली इन हिज हर लॉगिन ID विदाउट ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर काउंसलिंग ऑप्शन ऑफ डाइट्स इंस्टीट्यूट सिंस द वैकेंसी आर वर्चुअल ओनली देयर फॉर नो गारंटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ऑप्टेड डाइट्स इंस्टीट्यूट सो कैंडिडेट मस्ट नोट एंड अप्लाई जुडिशली। तो यहाँ पर जब गाइज SCERT दिल्ली जो है खुद मतलब कि ये चीज़ मेंशन कर रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं अपने तरफ से आपको ये नहीं कह सकता ना कि इतना आपका मतलब कि चांस है। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस बच्चे के मार्क्स 80 से अबव है या 85 है या 90% से अबव है, तो उनका काफ़ी चांस है नाम आने का। बिकॉज गाइज, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी सीटें खाली है कॉलेज में। अगर सीटें जो है कॉलेज में ज़्यादा खाली रहती है, मतलब कि 100 से अबव, तो फिर चांस बढ़ जाता है आपका। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लकली अगर आपका नाम आ जाता है तो और भी बेस्ट रहेगा। सो गाइज, यही था आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी मतलब कि आपके डाउट थे, एंड इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन और भी आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इसके लिए गाइज, जो भी इन्फॉर्मेशन है मतलब कि कितनी सीटें कॉलेज में खाली है, इसके रिगार्डिंग जो है ना SCERT दिल्ली एडमिशन की जो ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट चेक करते थे, उसी पर जो है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हैं।